लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मणिपुर की हिंसा को सबसे पहले शांत करा जाना चाहिए, क्योंकि अगर हिंसा शांत होगी तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। अगर हिंसा ऐसे ही चलती रहेगी तो ना जाने ऐसी और कितनी घटनाएं सामने आएंगी जो बहुत दिल दुखा देने वाली होंगी। नमस्कार, मैं हूँ भारत अधान और आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। मणिपुर से एक ऐसी घटना सामने आ रही जिसको देखकर जिसने भी वीडियो देखी वो लोग दंग रह गए और सब लोग बहुत गुस्से में हैं। सीधे बातचीत यहाँ पर कर लेते हैं, देश के लोग इस घटना को लेकर क्या करें। आपको बता दें ये घटना कैसे हुई, ये तो सब लोगों आप लगातार सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। आपको बता दें लोगों में गुस्सा इस बात का है कि जिस तरीके से दो महिलाओं को निर्वस्त्र रास्ते पर घुमाया गया, उनकी वीडियो वायरल की गई, जिसको लेकर इसमें पूरे देश में गुस्सा है। बातचीत कर लेते हैं। मैम, क्या कहना चाहोगी आप इस घटना को लेकर? ये बहुत ही घृणित कार्य किया है जिन लोगों ने भी कराया, इसकी मैं बहुत घोर निंदा करती हूँ। क्या कार्रवाई की मांग करती हैं आप? सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उन लोगों पर, जिन लोगों ने काम करा है उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और सजा भी अच्छी ही मिलनी चाहिए। देखिए, दो महीने से वहाँ पर जातीय हिंसा जारी है। बड़ा सवाल यह है कि जब इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही है, वहाँ पर जातीय हिंसा चल रही है, तो सरकार क्या कर रही है? बड़ा सवाल यही है। लोग इस समय पूरा जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी कुछ चिंतित है। सुप्रीम कोर्ट ने सुबह कहा कि अगर सरकार कार्रवाई नहीं करते तो हम ही कुछ करेंगे। लगातार जो है यहाँ पर लगातार लोग अपना रिएक्शन दे रहे हैं। बातचीत दो लोगों से कर लेते हैं। आप क्या कार्रवाई की मांग करती हैं सरकार से? मुझे ऐसा लगता है कि सख्त से सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है उसके लिए, और मुझे ऐसा लगता है कि अब वो हैं फिर हम भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, तो इसलिए एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। किसी के साथ भी हो सकता है। बस इनका कहना है कि ऐसी यहाँ पर ऐसे दोषियों को ऐसी सज़ा मिले जो नज़ीर बनी। बातचीत कर लेते हैं जी। आपका क्या कहना है इस घटना को लेकर? देखिए, मेरा मानना ये है कि इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी गलती है वो सरकार की मानी गई है, क्योंकि जब पिछले 2-2.5 महीने से लगातार मणिपुर में हिंसा जारी है और अलग अलग दलों के द्वारा, अलग अलग राजनीतिक दल, बड़े बड़े राजनेताओं के द्वारा वहाँ पर हिंसा को शांत करवाने की अपील की गई, सरकार ने उसके बावजूद भी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। अब वो हिंसा इतनी बढ़ गई है कि इस तरह की वीडियो सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा लापरवाही इसमें सरकार की मानी जा सकती है। मेरा आपसे है कि आप खुद एक महिला हैं और जिस तरीके से वीडियो वायरल है, लोगों में गुस्सा है, आप क्या मांग करते हैं, कैसी कार्रवाई होनी चाहिए इन दोषियों पर? कार्रवाई वो तो सब सरकार अपनी तरफ से देखेगी, क्या नियम है उसके लिए, किस तरह से अलग अलग स्टेजेस पर कार्रवाई होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मणिपुर की हिंसा को सबसे पहले शांत करा जाना चाहिए, क्योंकि अगर हिंसा शांत होगी तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। अगर हिंसा ऐसे ही चलती रहेगी तो ना जाने ऐसी और कितनी घटनाएं सामने आएंगी जो बहुत दिल दुखा देने वाली होंगी। लगातार लोगों में इस घटना को लेकर गुस्सा है, लगातार हम लोगों से रिएक्शन ले रहे हैं, तो आप लगातार इस घटना को लेकर देश का युवा क्या करें, बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अंकित है। अंकित जी, आप इस मणिपुर की घटना को लेकर क्या कहोगे? मणिपुर की घटना काफ़ी निंदनीय है, और जिस तरीके से वहाँ लड़कियों को उनका ध्रुव व्यवहार किया गया है, केंद्र में उनकी सरकार है भाजपा की, मणिपुर में उनकी सरकार है, तो पिछले 2-2.5 महीने से वहाँ इस तरह की घटना हो रही है, लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, वहाँ पर करीब 10-15 लोगों की जान भी जा चुकी है, तो सरकार को इस पर पहला एक्शन लेना चाहिए था। तो यदि पहले एक्शन लेती सरकार तो शायद उन जो बेटी थे वो किसी की, तो उनके साथ इतनी निंदनीय जो घटना हुई है वो ना होती। तो मोदी सरकार से इतना ही कहूँगा कि उन्हें फांसी दे और इस प्रकार की घटना देश में दोबारा ना हो पाए। ऐसी कोई भी घटना कहीं पर भी होनी नहीं चाहिए, और मेरी सरकार से यही अपील है कि अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं जहां पर लोग अपने हाथ में कानून ले लेते हैं तो ये गलत है, क्योंकि जंगल राज नहीं है, हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक कंट्री है, पूरे लॉ ऑर्डर से चलती है। अगर लॉ एंड ऑर्डर जो है जनरल पब्लिक अपने हाथ में ले लेगी तो इस तरह की घटनाएँ और बढ़ती चली जाएंगी, तो इसलिए सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और जल्द से जल्द करनी चाहिए, इसको खींचना नहीं चाहिए। देखिए मैम, आप खुद एक महिला हैं, आप देखिए जिन दो देश की बेटियों की निर्वस्त्र करके उन्हें रास्ते में घुमाया गया, कितना गुस्सा है लोगों में। यार देखिए, हम लगातार देख रहे हैं लोगों में, अलग अलग लोग जवाब भी दे रहे हैं, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, ये बिल्कुल सहनीय नहीं है ये बात, क्योंकि किसी को ये अथॉरिटी नहीं है, ये राइट नहीं मिला है कि वो किसी की निजता इनफैक्ट कि आप किसी को निर्वस्त्र कर पूरे सड़कों पर घुमाएंगे। अब वही बात है जैसा कि मैंने पहले कहा कि जंगल राज नहीं है, सरकार है, लॉ है, ऑर्डर है, तो आप एक चैनल के थ्रू जा सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या होती है तो एक चैनल के थ्रू अपनी कंप्लेंट्स रखिए, और अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें सख्त से सख्त फिर सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन ये वाली सज़ा बिल्कुल भी मान्य नहीं है, क्योंकि इस तरह की अगर घटनाएं बढ़ती रहेंगी तो आप ये सोच के चलिए कि जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो क्या लेसन्स लेगी और
क्या आपको लगता है कि ये सब घटनाएं यहीं रुक जाएंगी? मेरे ख्याल से नहीं रुकेंगी, एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी, इसलिए सख्त से सख्त कार्रवाई बहुत ज़रूरी है और जल्द से जल्द होनी चाहिए। देखिए लगातार जो देशवासी हैं वो मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आरोपियों को बख्शा नहीं जाए, उनको उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। देखिए इन्होंने ये भी बात हम लगातार हम देख रहे हैं, क्योंकि अगर इस तरह की घटनाएं नहीं रोकी गई तो देश के लिए ठीक नहीं होगा, ये देश के आने वाले युवा उनके लिए अच्छा मैसेज नहीं होगा। तो जो भी दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। वीडियो जर्नलिस्ट अर्पित भारद्वाज के साथ मैं हूँ भारत अधाना, अधाना टीवी न्यूज़, उत्तर प्रदेश।